प्रणमीय शिरसाणे निम् गुणरयण विभूषण महावीरम सम्मत्तरयण निलयम् पयडि समुक्कीर्तनम् वोच्चम् नौकरम तद्व्यतिरिक्त नौगम द्रव्य निक्षेप की चर्चा चल रही है। देखिए जो जो जीव के परिणाम होते हैं, परिणाम कहकर मोह राग द्वेष ही की तरफ मेरा संकेत नहीं है। आठों कर्मोदय जन्य जितने औदयिक भाव है, जिसके जैसे संभव होंगे, जिसके जैसे संभव होंगे मतलब जो ठेठ पुद्गल विपाकी है उस संबंधी तो आत्म परिणाम क्या होंगे, तो जिसके जैसे संभव होंगे आत्म परिणाम, उन आत्म परिणामों के लिए बहिरंग निमित्त कौन, उसकी चर्चा चल रही है। इसी को शास्त्रीय शब्दों में नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौगम द्रव्य निक्षेप कह रहे हैं। आप सब जानते हैं जो जो भी भाव जीव को होते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए लेना हो तो जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ तो ये क्रोध को कहेंगे कार्य, और इसे भाव कर्म कहते हैं। इसकी जब कारण मीमांसा की जाएगी तो कारण मीमांसा में यह भाव निकल आएगा कि इसका कारण क्रोध नामक चरित्र मोहनीय प्रकृति का उदय है। कोई और दूसरा बोलेगा कि इसका कारण इन्होंने दी हुई गाली है। तो कारण मीमांसा करते समय यह बताया जाता है कि यह गाली ये आश्रयभूत कारण है, और क्रोध नामक चरित्र मोह का उदय यह उदय रूप कारण है। आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं एक कार्य में दो कारण घटित कर रहा हूं, एक उदय रूप कारण, उदय उपशम क्षयोपशम जो भी होगा, और एक कारण आश्रयभूत कारण बोल रहा हूं मैं। जैसे आप सबको अभी ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के होने में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम क्षयोपशम रूप कारण ये हुआ, और सेकंड कारण हुआ जो यहां से प्रवचन चल रहा है, ये हो गया आश्रयभूत कारण। आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। किसी अपेक्षा से इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान के ज्ञान रूप कार्य को केवल ज्ञानावरण का क्षय ये क्षय रूप कारण हो गया, और लोकालोक ये निमित्त रूप ज्ञान हो गया, ये बहिरंग निमित्त के रूप में। आप समझ रहे हैं, ये गेय है, हमारे निमित्त से उनको ज्ञान हो रहा है। ऐसा भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई घटित करे तो उसमें कोई बाधा नहीं घटित होती, ठीक है। मुझे अभी कहना तो बस इतना ही है कि एक अंतरंग कारण होता है, एक बहिरंग कारण होता है। अंतरंग कारण के साथ अन्वय व्यतिरेक घटित होता है, बहिरंग कारण के साथ अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। इसलिए अंतरंग कारण को बलवान कारण कहते हैं, और बहिरंग कारण उसको बलाधान मतलब बलहीन कारण कहते हैं। उसके साथ कोई अन्वय व्यतिरेक घटित भी नहीं होता। आप सब समझ रहे हैं। मैंने अभी निमित्त उपादान की लगभग 25 क्लासेस ली है, उसमें मैंने एकदम पुष्ट किया है प्रकरण। उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर दूँ, कभी आपको भी दिया होगा। मैंने ये कहा था कि वर्णी जी एक बार स्मारक में आए थे और उनका एक प्रवचन हुआ था, ये सहजानंद जी वर्णी। तो प्रवचन में उन्होंने एक बात कही थी कि ये सोनगढ़ी लोग बहुत अच्छे वक्ता रहे, आध्यात्मिक जीवन रहा इनका, और पूरे एक एक जीवन एक एक शास्त्र की तह में जाने की ताकत रखते थे। और ताकत क्या, ये शास्त्रमाला फल के रूप में जो निकली, 105 ग्रंथों पर उन्होंने जीवन में प्रवचन किए, 105।
जिसमें आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, परीक्षा मुख ये सब शामिल है, प्रमेय कमल मारतंड वगैरह के आधार से समयसार वगैरह देखेंगे और एकदम सूक्ष्म निरूपण। फिर टीकाएं भी उन्होंने अलग से लिख ली, पूरा जीवन उसमें ही उन्होंने समर्पित किया था। तो वे आए और उन्होंने निर्भीक रूप से एक बात कही कि ये सोनगढ़ी लोग जब चाहे ऐसा बोलते हैं कि शास्त्रीय शब्दों में बोलो निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त अकिंचित कर मतलब अकिंचित कर कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। और वे जब चाहे ये बोलते रहते हैं कि जब उपादान जागृत होता है तो उपादान तो आकाश में से भी टपकता है आदि आदि, और ये कहते हैं बाहर का निमित्त कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बाहर का निमित्त हो न हो काम तो वैसे भी होता है, उसके लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी निमित्त को किंचित कर बताना है तो या तो निलंजना को खड़ा किया जाता है और यही बताया जाता है मुक्ति, ये क्यों आवाज आ रही निरंतर, बात कर रहे हो क्या कुछ धीरे धीमी आवाज में, उठाकर बाहर कर दूंगा फिर, है ना, यहां पर अटेंशन देना अच्छे से। तो ये निलंजना का उदाहरण दे देकर ये बार बार ये कहते रहते हैं कि देखो यदि निलंजना से वैराग्य होता तो फिर सबको क्यों नहीं होता, सबको होना चाहिए ना, फिर निमित्त किंचित कर, निमित्त कुछ करने में समर्थ नहीं है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। और फिर या तो वेश्या का उदाहरण देते रहते हैं, तुम लोग, ये लोग थोड़ी, वो तो स्मारक में बैठकर, तो तुम लोग, तो उदाहरण देते रहते हैं कि ये वेश्या को, फिर चार जन वहां पर आए, फिर कोई कुत्ता उसको देख रहा है उसको खाने का भाव हुआ, कोई कामुक जीव आया उसको स्पर्श इंद्र का भोग भोगने का भाव हुआ, कोई योगी जीव आया उसको इतना यौन अवस्था में वो निकलकर चली गई उसको वैराग्य हुआ, कोई चोर आया उसको आदि आदि, फिर वही घटित करते हैं ये, देखो निमित्त किंचित कर है और परद्रव्य जबरन भाव बिगाड़ते नहीं, सबको अलग अलग सा भाव हुआ। बल्कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा निमित्त किंचित कर नहीं होता। देखो उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही थी, मैंने पूरा बहुत लिया है अभी अभी निमित्त उपादान टॉपिक में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है सचमुच, निमित्त हर जगह होता ही है और उसी मोमेंट पर होता है जब कार्य होता है। दरअसल बात यह है, ये बोले ये लोग निलंजना आदि का उदाहरण देते हैं, ये बराबर इसमें फिट नहीं होता, क्यों, निमित्त का अर्थ यहां पर कर्म का उदय उपशम आदि लेना चाहिए था। तो निमित्त किंचित करके कहा बात आई बोले, क्यों, प्रत्येक कार्य होता है वो पास समय से होता है, ठीक है, एक शब्द पढ़ा ना पुव्वकयम, क्या है वो, कालो सहावोनियई पुव्वकयम पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तम तेते चेव समासवो संबत्तम होंती। ये पास समय से कार्य होता है, समय सुत्त का ये सूत्र मैंने बोला अभी, समय सुत्त की गाथा है सिद्धसेन की, जिसमें बोला कि पुव्वकयम कहकर वो निमित्त को उन्होंने खड़ा किया, पुव्वकयम पूर्वकृत को ये निमित्त बोल रहे, पूर्व में किया वाला वो आज निमित्त बन रहा है ना कर्म का उदय। तो हर जगह निमित्त होता ही है बोल रहे, नहीं होता कैसे बोलते हैं, कह रहे देखो वो निलंजना खड़ी है किसी को वैराग्य हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, बोले ऐसा नहीं है, बोले ऐसा है जिसको वैराग्य हुआ है उसको बराबर अनंत अनुमोद प्रत्यक्ष अनावरण का बराबर अनुदय है, वो निमित्त है, और जिसके कार्य नहीं हो रहा है उसको निमित्त नहीं है बोले। वो क्यों मिसगाइड करते हो मोफत में आप, तो निमित्त वो अंदर के निमित्त की बात है, वो कोई बाहर के निमित्त की बात थोड़ी ना है वो कुछ। तो वैसे आपको कैसा लग रहा है उनका कमेंट, उनको कमेंट में कोई टक्कर नहीं दे सकता, नहीं टक्कर दे सकता मतलब उनकी कोई तात्विक भूल कभी कोई नहीं निकाल सकेगा, बहुत एकदम गहराई का अध्ययन था उनका, और उन्होंने बहुत राज किया है, राज किया मतलब आज मैं इसलिए भी कहता हूं, आज जो प्रचार प्रसार जो अपने शास्त्र साहित्य का अधिक होता है इसका पूरा श्रेय गुरुदेव के अनुयायियों को जाता है। और बहुत बड़ी हानि यह हुई
वर्णी जी के पक्ष में उनको कोई अनुयायी नहीं मिला। और आज आप उनके शास्त्र माला में भी जाएंगे मेरठ में तो 105 ग्रंथों में से मुश्किल है आपको 5 ग्रंथ भी आपको वहां पर मिलेंगे। ओरिजिनल कॉपी भी आपको सैकड़ों ग्रंथों की नहीं मिलेगी, उनके प्रवचन की गायब, सब गायब, माल आउट। और ऐसे विषय जो किसी की ताकत नहीं उस पर प्रवचन करने की, सब लुप्त तो होता जा रहा है। और कुछ कुछ कॉपीज एकदम लास्ट, अब उनको बोलो भाई हमको चाहिए, बोले छपता तो कुछ नहीं है, आपको चाहिए फोटोकॉपी करके लेके जाओ। फिर वो लेके आया, नहीं लेके आया, फिर वो गया, वो सब माल गया उसका। और अरबपति लोग बैठे हैं अनुयायी और किसी को इसकी तरफ ध्यान नहीं, और सबको अपना अपना रत्नकरण शावकाचार्य के प्रवचन है, फिर षोडश कारण भावना के प्रवचन है, ऐसे गिने चुने 4-5 प्रवचन बस वे छापते रहते हैं, बाकी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो पब्लिक की मांग नहीं है उनका कहना है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं अपन सर के, उनको तो सब कुछ पढ़ना है ना उनका, और बल्कि ये क्या विषय पढ़ना, रत्नकरण शावकाचार्य के प्रवचन आदि, ये तो सब सुलभ है, सुगम है और सब जगह से मिलता है। जो तात्विक विषय है सब जगह कैसे निरूपण कर सकते हैं, वो हमको मूल चाहिए था। तो कहने की मेरी बात इतनी सी है। तो फिर देखो, फिर उनका प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद चर्चा हुई थोड़ी सी विद्वानों की उनकी, तो विद्वानों ने स्वीकार किया। विद्वानों ने कहा बात आपने बिल्कुल सही कही, निमित्त तो कार्य के समय होता ही होता है, और जो निमित्त तो है किसी का कार्य हो रहा है किसी का कार्य नहीं हो रहा है, ये सचमुच ऐसा नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन एक मजबूत बात रखी उनको, ये कहा कि देखो ऐसा होते होने पर भी बहिरंग निमित्त की तरफ से ही चर्चा चलती है, क्योंकि जो वादी प्रतिवादी दोनों को प्रसिद्ध हो उसकी तरफ से चर्चा करना अभिष्ट होता है, और जिसको वादी प्रतिवादी दोनों एकमत नहीं हो वहां से कभी भी चर्चा नहीं उठ सकती। ये कितने जन को ख्याल में आ रही जो मैं बोल रहा हूं अभी, नहीं समझ में आ रहा अक्षत आयुष कहा गया, आयुष समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ठीक है। वादी प्रतिवादी ये दोनों अंतरंग निमित्त को स्वीकार थोड़ी ना करते हैं, वादी प्रतिवादी मतलब जैन एंड जैनेतर, ये जैन ही पक्ष है जो अंतरंग निमित्त को स्वीकार करता है, लेकिन बहिरंग निमित्त को सभी स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं चर्चा हर घड़ी उठा सके ये बहिरंग निमित्त की तरफ ही संभव होता है, बात एक। अब समझ रहे हैं ये डॉक्टर साहब ने उनको हेतु दिया था, कितना सॉलिड हेतु है ये आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। क्या हेतु दिया कि बात चर्चा वहां से चलती है जो वादी प्रतिवादी दोनों को स्वीकृत हो, और वादी प्रतिवादी दोनों को स्वीकृत बहिरंग निमित्त है, इसलिए वहां से देने में दोष नहीं आएगा, नहीं तो फिर वो दोष आ जाएगा। होता है ना साध्य की सिद्धि करते समय वो इष्ट चाहिए, तीन कारण होता है, तो एक तो असिद्ध चाहिए, एक तो इष्ट चाहिए, और एक तो अबाधित चाहिए। अभी इष्ट ही नहीं है वो कैसे बात कैसे आगे बढ़ेगी, एक बात ये होगी। सेकंड बात ये है हमारा जितना भी पुरुषार्थ जीवन में चलता है सुखी होने के नाम पर, वो पूरा पुरुषार्थ बहिरंग निमित्त पर ही चलता है, अंतरंग निमित्त पर कोई पुरुषार्थ करता नहीं और करना संभव नहीं, क्योंकि बिकॉज इट इज इनविजिबल। इसलिए पूरी चर्चा उसको जहां पर उसकी समस्या है, जहां पर आकर नड़ा है आड़ा है खड़ा है, वहां से उसको उठाया जाता है कि ये यहां से हाथ छोड़ दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। इसलिए हम बहिरंग निमित्त से बात करते हैं, क्योंकि निमित्त जोड़ने में जो लगा है अनादिकाल से कार्य की सिद्धि के लिए, वो निमित्त कौन से निमित्त जोड़ने के लिए लगा है, वो थोड़ी ना अंतरंग निमित्त को जोड़ने के लिए लगा है, वो तो बहिरंग निमित्त जोड़ रहा है ना, तो उसको वहां से बोल दिया कि बहिरंग निमित्त कुछ नहीं है, वो निमित्त किंचित कर जो हम बोलते हैं वो बहिरंग निमित्त की तरफ से इसलिए बोलते हैं। क्या इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उसका पुरुषार्थ बाहर में है, और अंतरंग में कौन चर्चा किसको करनी है और किसको चाहिए सबको पता ही है, वो निमित्त रहता है, उसके हम चर्चा क्यों करें। समझ रहे, ये प्रयोजन पर इतना कोर आपको समझना चाहिए। एक बात मैंने ये कही, अभी और एक बात कहूंगा, क्योंकि प्रकरण नोकर्म तद्व्यतिरिक्त नोआगम द्रविनिक्षेप का है। अभी मुझे आते समय सहज कुछ विकल्प हुआ, मुझे लगा इसको बात को आना चाहिए, क्योंकि बात आ रही ना ये कपड़ों को देखकर हमारा मति श्रुत ज्ञान का घात होता है। घात होता है मतलब
हुआ वाला घात होता है ऐसा नहीं बोलना है, वो प्रकट ही नहीं होने देता उसको, मती श्रुति ज्ञान को प्रकट ही नहीं, वो उतनी ऊंचाई को प्राप्त ही नहीं होने देता। कौन? ये बाहर के विषय। तो ये पूरा प्रकरण ये निमित्ताधीन चल रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये इसमें निमित्त कोई हावी होकर उपादान में कुछ करता है प्रेरक होकर, ऐसा सचमुच होता भी नहीं है। लेकिन कल जो मैंने कहा था, हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य, कि परिणाम की विशुद्धि यदि चाहते हो तो तुम यहां से बचो, यहां बचो, यहां बचो, वहां बचो, वहां बचो, वहां बचो, यहां पर नहीं जाना तुम ब्रह्मचारी, उस गली से नहीं निकलना तुम ब्रह्मचारी, तुम ऐसा नहीं सोना, तुम ऐसा नहीं उठना, ऐसा नहीं बैठना, ए तुम मुमुक्षु हो, ए तुम मंगलारती हो, तुम ऐसा नहीं करना, तुम वहां पर नहीं जाना, इतने भी ये पूरा, जबकि सब भावों से ही होता है, तो वहां क्यों कमरे पर बैठ के सब, यहां से अच्छे भाव नहीं हो सकते हैं क्या? होने को हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे होंगे नहीं ना, होने को हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे होंगे नहीं ना। बाइंडिंग कर रखी है आपने, ठीक है। देखो विचार करो आप, मुझे तो और कुछ बात ये कहनी थी, अभी कल दर्शनावरण की चर्चा हमने करी, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये दही आदि भैंस का दूध आदि नहीं लेना आया। फिर दही तो यहां पर लिखा, भैंस आदि भी सब, दूध आदि भी सब समझना, दूध भी उसमें शामिल ही है। तो मुझे क्या कहना है इसमें कि देखो ऐसा है, ये निमित्त मात्र है, तो इससे बचना, ये भी एक हिंट मिलती है, लेकिन इनमें प्रवृत्ति होते हुए भी कहीं बिगाड़ आ सकता होगा, ऐसा भी सचमुच नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों तरफ का ज्ञान होना चाहिए हमको, क्योंकि देखो अभी तो बहुत अच्छी चर्चा चलेगी, वहां से और फलित होगी वो चर्चा। तो देखो, तो अभी वो जो उदाहरण में अपन थोड़ा सुधार और करते हैं, नीलांजना नाच रही है और फिर भी आदिनाथ को वैराग्य, ठीक है, नाच देखते देखते वैराग्य। देखो ऐसा नहीं है, बात ऐसी नहीं है, मैं उदाहरण को अच्छे से बताता हूं आपको। बहिरंग निमित्तों की मैं आपको सच्चाई प्रकट करता हूं। देखो जो कहते हैं कि निमित्त है लेकिन वो सब पर कार्य नहीं करता, बहिरंग निमित्त की अपेक्षा बात कर रहा हूं मैं, अभी वो हो गई पहले बात, अभी नया प्रकरण है मेरा, मैं कह रहा हूं सचमुच ये भी लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नाच थोड़ी ना निमित्त है उसका वैराग्य के लिए, वो तो नाचने पूर्वक मरण, और वो तो किसी को दिखाई नहीं, तो तुम ऐसा कैसे बोल रहे फिर? वो तो नाचना पर्टिकुलर तो राग का ही कारण है ना, राग का ही विषय है वो टोटली, और एकदम झूमते झूमते मरना, ऐसा भी थोड़ी ना है कोई मरता नहीं देखता है, सब मरते दिखते हैं, जो बिलकते तो वो तो पिंड छूट गए कहते हैं, वह उसको देखकर वैराग्य क्यों होगा? जो एकदम ड्रास्टिक चेंज कुछ होगा उसको लेकर वैराग्य होता है। एकदम नाचते झूमते एकदम एकदम सडन डेथ हो गई, वो सबको एकदम अपील करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे वो अंतिम सांसें गिनते दो दो दस पांच साल ऐसे बिछाने पर लेट के ऐसे कलम अपनी देह छोड़ते, एच क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी, अरे प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी कोई, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको भी और तुम भी क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? हैं? क्या बोल रहा था मैं? कलाम। ऐसे हालत में जाता तो इतना फेमस होता क्या? तो एक विचारणीय बात है थोड़ी सी। फेमस मतलब अब कौन अच्छे अच्छे चले गए, कौन किसको पूछता है, अब वो भाषण देते देते चले गए और सक्रिय रूप में चला जाए कोई, तो उसका मूल्य विशेषांकन होता ही है उसका। कोई रिटायर होना चाहता है, वो सेंचुरी मारने के बाद रिटायर होना चाहता है, लेकिन पता नहीं ना, वो उसको लगता है अभी और भी अच्छा गेम हो सकता है, और भी अच्छा गेम, वो जुए जैसा उसको, फिर वो जीरो पर चला गया, वो उसको लगता है ऐसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो विल नॉट गिव अप, एक सेंचुरी मारूंगा फिर छोड़ दूंगा, और सेंचुरी मारने के बाद उसको लगता है रिकॉर्ड को थोड़ा सा ही कम है, और एक मैच खेलो, वो ऊपर से धक्के ना आए, भाई साहब आप प्लीज अब हट जाओ अब यहां से, ये कौन बर्दाश्त करेगा? स्वयं रिजाइन करने में सब आनंद मानते हैं, मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना सारा,
वो एकदम जोश वाली स्थिति में एकदम मर गए, वो तो आदिनाथ नहीं देख लिया ना, अवधि ज्ञानी तो वही है ना वहां पर बैठे वाले, और कौन अवधि ज्ञानी है? और जो बराबर ये जाने कि बराबर वो ये बिजली होती है बराबर प्रत्येक समय में नया नया होता है ना, नया यूनिट तभी तो पड़ता है वो, तो ये बन विंकिंग ये कौन देख सकता है इसको? विंकिंग कोई नहीं देख सकता, ये इतना थरो विंकिंग चलता है, विंकिंग समझते हो ना आप, चालू बंद इतना थरोली होता है स्पीडली कि उसको अपन थोड़ी ना पकड़ पाते हैं, तो उन्होंने वो पकड़ लिया था। मुझे तो क्या कहना है, समझा भी बात को, उदाहरण की भी सच्चाई समझ लीजिए पहले। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो कि अभी जैसे सम्यक्त की यहाँ पर कुछ अभी तो मोहनीय की प्रकृतियों का प्रकरण चलना है, वेदने का भी कल चला कि सात वेदने का नौक्रम तद्व्यतिरिक्त इष्ट भोजन सामग्री आदि, और लेकिन इष्ट और अनिष्ट तो फीलिंग पर है, तो हाँ ना, तो फीलिंग में जो वो फील करेगा, इष्ट फीलिंग किया तो फिर वो वही सामग्री को इष्ट कहेंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई ये सामग्री इष्ट और ये सामग्री अनिष्ट है, ये मैंने पहले भी लिया था आपको। और फिर अंतरंग में ऐसा उदय हो, एक शरीर के सामग्री हो दोनों को, किसी को सातक का उदय चल रहा, किसी को सातक, तो फिर कहेंगे इसको नौकर्म तद्व्यतिरिक्त, फिर वो इष्ट कहेंगे, इसको नौकर्म तद्व्यतिरिक्त अनिष्ट कहेंगे, और एक ही सामग्री है। आगे आपको पकड़ में, तो बाहर से तो भिन्नपना होगा लेकिन अंदर से अपन विचार करें तो वही सामग्री इष्टपना है और वही सामग्री अनिष्ट है, और परमार्थ से देखो तो वो सामग्री ना इष्ट भी है ना अनिष्ट भी है, आज से इष्ट अनिष्ट आया। ठीक है, मैं कहने की बात यह है कि ये बहिरंग कारण बताए जा रहे हैं, ये परमार्थ से ऐसा कार्य होना चाहिए, अंदर से ऐसा नियम नहीं है लेकिन बचना जरूर, ये भी बात समझना, दोनों बातें समझना। कैसे अभी अपने को पता चलेगा, एक गाथा अपन पढ़ लेते हैं, 74th गाथा चलेगी, देखिए पढ़िए 74th। आयदनायदनम सम्मे मिच्छेयो दिनो कम्मम उभयम् सम्मामिच्छे णो कम्मम होदिनियमेण। देखो आयतन अनायतनम, ओके दो शब्द मैंने पढ़े, आयतन और अनायतन। सम्मे मिच्छे ये होदिनो कम्मम, ये क्रमशः रिस्पेक्टिवली ये दोनों के नौकर्म बताए। नौकर्म मतलब अच्छे शब्दों में बोलो मनन, अच्छे शब्दों में बोलो, बोलो मत अच्छे, कोई बोलो मत, अरे मुझे शास्त्रीय पंडिताई की भाषा नहीं चाहिए, एकदम आप कितना पकड़े हैं मैं कैसे पकड़ू उसको, बोलो नौकर्म मतलब क्या यहां पर, बोलो बहिरंग निमित्त, इसके पीछे इतना मैंने बताया है ना, आप भी नौकर्म तद्व्यतिरिक्त मतलब बहिरंग निमित्त, बस अंतरंग निमित्त कर्म सेट है वो अपना, अंतरंग निमित्त कर्म, तभी तो कर्म का नौकर्म तद्व्यतिरिक्त बोला जा रहा है। तो जीव का अंतरंग निमित्त तो कर्म है ही, द्रव्य कर्म, और बहिरंग निमित्त वो बहिरंग कारण, कारणों की मीमांसा यहां से चल रही है। तो कह रहे यहां पर कि सम्यक्तो का नौकर्म है आयतन, और मिथ्यत्व का नौकर्म है अनायतन। ये समझ रहे हैं सब ना, नौकर्म मतलब निमित्त, निमित्त कारण, मतलब सीधी बात यह है आयतन से सम्यक्तो होता है, अनायतन से मिथ्यात्व होता है, निमित्त की मुख्यता से मैंने कथन किया। ये समझ रहे सब, आयतन से सम्यक तो होता है, अनायतन से मिथ्यात्व होता है, यह कथन मैंने निमित्त की मुख्यता से किया, प्रधानता से किया। ऐसा हो कार्य निमित्ताधीन है यह मुझे नहीं कहना है, भाषा निमित्त प्रधान है मेरी, भाषा उपादान प्रदान हो सकती है, भाषा निमित्त प्रदान हो सकती है, और भाषा दोनों को बराबर का दर्जा देते हुए हो सकती है, भाषा तीनों होते हुए भी सबका कार्य अपने अपने में होता रहता है। तो भाषा को लेकर वस्तु स्वरूप में हमको आपत्ति कुछ नहीं है, भाषा भले कैसे भी आए, क्यों माता पिता ने हमको बड़ा किया, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, तो कितना बड़ा किया, कितने साल के हो गए आप लोग, 15 साल के हो गए, तो कितने साल में किया, 15 साल में किया, 15 साल का, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर 1 साल में कर लेते,
कहना क्या है, आयतन सम्यक्तु को करता है, सम्यक्तु को करता है निमित्त करता नो कर्म, और अनायतन मिथ्यात्व को करता। ये पहली लाइन हुई, मैं कुछ विशेष बात भी बताऊंगा। और आयतन और अनायतन युगपत ये दोनों सम्यक मिथ्यात्व को करते हैं, ये बोल रहे। सम्यक मिथ्यात्व मतलब मिश्र दशा को करते हैं, ठीक है। देखो ये उभयम सम्मामिच्छे नो कम्मम होदी नियमेण, ठीक है। ये नो कर्म तद व्यतिरिक्त गिनारे है, ये कौन कौन से कर्म के, ये उत्तर प्रकृतियों की चर्चा चालू हुई है ना, उत्तर प्रकृतियों की चर्चा। अपनी सुबह भी उत्तर प्रकृतियों की चर्चा चली। आयुष सो रहे क्या, थोड़ा सो रहे क्या, क्या कर रहे हैं? अरे पकड़ा गया, पूछ लो कुछ भी, फिर तुम मुझे पकड़ रहे अभी क्योंकि उसमें थोड़ी पकड़ा जाएगा। ये सुबह भी उत्तर प्रकृतियों की चर्चा चली आपने, स्थिति बंद। अभी ये उत्तर प्रकृतियों का नौकर्म तद्व्यतिरिक्त चल रहा है। अभी देखो, एक तो मिथ्यात्व प्रकृति, एक सम्यक प्रकृति। सब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। आयतन से सम्यक तो होता है, जो मैंने अभी अभी बोला ना, ये क्या बोल रहे हैं, ये सम्यक तो प्रकृति की बात कर रहे हैं, कोई सम्यक तो परिणाम की बात नहीं चल रही, क्योंकि कर्मों के नौकर्म तद्व्यतिरिक्त चल रही है। तो ये कह रहे हैं जो सम्यक तो प्रकृति है ना, उसका बहिरंग कारण आयतन है। सम्यक्तु का कारण आयतन मतलब सम्यक्तु परिणाम नहीं, सम्यक्तु प्रकृति। सम्यक्तु प्रकृति का बहिरंग कारण आयतन मतलब जिनको सम्यक्तु प्रकृति का उदय होगा अंतरंग में, उनको बहिरंग में ये आयतन होगा। और उपादान का परिणाम सम्यक्तु रूप तो हो गई, क्षयक्षमिक सम्यक्तु। कितने जन ने पकड़ा बात को, क्षयक्षमिक सम्यक्तु। ये नहीं समझोगे तो फिर प्रकरण थोड़ी ना समझ में आएगा। औपशमिक सम्यक्तु में किसका उदय रहता है, किसी का ही नहीं रहता है। क्षयिक सम्यक्तु में किसका रहता है, किसी का भी नहीं। क्षयक्षमिक सम्यक्तु में किसका रहता है, सम्यक प्रकृति का रहता है। तो सम्यक प्रकृति के नौकर्म तद्व्यतिरिक्त गिना रहे आयतन, क्यों इनको कर्म प्रकृति की तरफ से नौकर्म तद्व्यतिरिक्त बताना है ना। उत्तर प्रकृतियों की चर्चा कर रही है, दर्शनावरण की प्रकृतियां हुई, ज्ञानावरण की हुई, दर्शनावरण की हुई, वेदने की हुई, अब मोहने की प्रकृतियां बता रहे। तो मोहने की तीन प्रकृतियां पहली खड़े कर रहे, दर्शन मोहनियों की। मिथ्यात्व सम्यक तो प्रकृति, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे तुषार, बदतमीजी मत करो तुम, क्या हुआ दांत निकालने को तुमको, अब ये कुछ बात कर रहे थे इतनी देर दोनों आपस में, तो उनको शांत किया, अभी ये चालू हो गए कुछ, कोई प्रॉब्लम हो और फिर तुम बताओ, बता सकोगे कि मैंने क्या बोला, यहां से क्या बोला। यहां पर प्रकरण क्या चल रहा है जिस पर मेरा जोर है, किसका नौकर्म तद्व्यतिरिक्त किसका चल रहा है, जिनवानी है सब आपके पास। नौकर्म तद्व्यतिरिक्त बताया जा रहा है वो सम्यक तो परिणाम का नहीं बताया जा रहा है, सम्यक तो प्रकृति का बताया जा रहा है, क्योंकि प्रकृतियों की चर्चा करनी है ना इनको। तो एक तो उपादान परिणाम, एक तो अंतरंग कारण, और वहां पर बहिरंग कारण। बहिरंग कारण मतलब नौकर्म तद्व्यतिरिक्त। तो अंदर में एक क्षयक्षमिक सम्यक्त होगा उपादान, उपादान में एक क्षयक्षमिक सम्यक्त होगा, तो अंतरंग निमित्त होगा वो होगा सम्यक प्रकृति, उदय, उदय रूप की बात चल रही है यहां पर। और उसी का, उसको कहते हैं नौकर्म तद्व्यतिरिक्त कौन, तो आयतन, ऐसा बोल रहे हैं। क्षयिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त का कारण आयतन ही होता है, इसमें तो कोई शक नहीं चल नहीं है बात, लेकिन प्रकृति की तरफ से करना है ना इनको, ठीक है। सम्यक प्रकृति का जब जब भी उदय होगा उसका बहिरंग निमित्त तो आयतन ही होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु। आयतन मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु को आयतन कहते हैं। आयतन कोई क्षेत्र विशेष
संज्ञा नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, यह गहरापन कोई क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है, यह भाववाची संज्ञा है। दोस्ती में खटास आ गई, कितनी खटास आ गई, नींबू से भी ज्यादा। सुनो, अभी भारतवर्ष में कितने दिन होते हैं? क्या बोल रही है, भारतवर्ष में कितने दिन होते हैं? 28 राज्य तो होते भारत में, और वर्ष में तो होते 365 दिन। अरे भारतवर्ष, यहां पर वर्ष ये कालवाची नहीं, ये क्षेत्रवाची संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार बोलिए, आयतन यह कोई क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है, क्षेत्र भी उसमें समाहित हो सकता है, लेकिन उसमें भाव भी हो सकता है, काल भी हो सकता है। जैसे जैसे कि उल्कापात, वज्रपात आदि, ये अनायतन है, ये कालवाची संज्ञा हुई। फिर चैत्र शुक्ल 14 आदि, बोलो चैत्र शुक्ल 13 आदि, ये आयतन हो गए, आयतन ये कालवाची आयतन हो गए। क्षेत्रवाची आयतन तो हम सब जानते हैं, शिखर जी आदि, और भाववाची आयतन ये रत्नत्रय हो गए। आयतन कोई क्षेत्रवाची ही नहीं समझना। तो यहां पर तो क्या बोल रही है कि नोकर्म तद व्यतिरिक्त सम्यक्तो प्रकृति का आयतन, नोकर्म तद व्यतिरिक्त आयतन मतलब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीनों आयतन। और मिथ्यात्व का नोकर्म तद व्यतिरिक्त, मिथ्यात्व मतलब क्या लेना यहां पर, वो परिणाम नहीं, वो मिथ्यात्व प्रकृति, और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय जहां होगा वहां पर तो मिथ्यात्व परिणाम होगा ही। सम्यक्त ये बात दूसरी है, लेकिन सम्यक्तो प्रकृति का जहां उदय होगा वहां पर तो सम्यक्तो होगा ही अंदर, ये समझ रहे ना। पहले गुणस्थान में तीनों का उदय नहीं रहता है, मिथ्यात्व भी का भी हो, सम्यक प्रकृति का भी हो, और सम्यक मिथ्यात्व का भी हो, सत्ता में पड़े रहते तीनों, जिनको जो अभी अभी आया है। उदय में तो एक ही रहता है, ऑलवेज एक, उदय में तीन भिन्न नहीं रहते कभी, ठीक है। सत्ता में रहेंगे तीनों, और एट ए टाइम एक ही का उदय आएगा, तो मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व का ही उदय चलेगा। फिर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो फिर तीसरा गुणस्थान होगा, सम्यक प्रकृति का होगा तो होगा चौथा पांचवा छठा सातवा, जो होना है सो होगा, ठीक है। सक्षम पकड़ रहे बात को, अभी देखिए। और उभय मतलब और कोई प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व एक प्रकृति है, उसको उदय होने पर नोकर्म तद व्यतिरिक्त किसको बोला जा रहा है, कौन है ये करेली वाला लड़का, क्या नाम है इसका, अक्षत, क्या है ये, बोलो मत कोई, ये इसका ध्यान नहीं रहता है क्या? अरे तू इतना सब झटके दे रहे अगल बगल में, तब अभी चार्ज हुआ है तो क्या बोले, बोलो फिर से। हाँ, और अरे तीसरी बात का पूछ रहा हूं मैं, क्या आयतन आयतन क्या क्या बोलना चाहता है उनका मिश्र, ये बोल रहे यहां पर नोकर्म तद व्यतिरिक्त मतलब बहिरंग कारण क्या, आयतन अनायतन बोथ, कितनी तकलीफ है ये। और इसीलिए मैं कहता हूं तीसरा गुणस्थान समझना तो बहुत ही खतरनाक है। तो डरमल जी ने नोट लगाई एक सातवें अध्याय के समापन में, कौन बताएगा, सातवें अध्याय के समापन में एक नोट लगाई, पढ़ के दिखाओ मनन, तुम पढ़ के दिखाओ, एच मनन के दे दो तुम, क्या पढ़ना उसके लिए चाहिए, बी आर ए आई एन, क्या पढ़ोगे तुम, पढ़ो पढ़ो फिर, सातवें अध्याय के समापन में एक नोट लगाए टोडरमल जी ने, वो नोट को क्या है जो मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूं, बोलो। तथा किसको मिश्र होने का उदाहरण दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने, किसी को मिश्र का उदय आता है ना, कहते कोई इसी के आड़ में इसको भी भजता है उसको भी भजता है, कहते वो सावधान रहे, वो विनय मिथ्या तो नाम पाता है, इसका स्वरूप तो केवल ज्ञान गोचर है, ऐसे इसको भी भजे उसको भी भजे, ऐसे इसको तीसरा गुणस्थान नहीं कहेंगे, ऐसा लिया उन्होंने, आप पढ़ लेना, कहीं दिख रहा है एक दो पेज में है क्या, कहीं
266 पर है बोल रहे, छोड़ो छोड़ो आगे, आयतन अनायतन युगपत ध्यान रखना, सुनो सुनो, अनायतन और आयतन मतलब ये सच्चे, ऐसे सच्चे की तरफ भी इशारा है उसका, और यह सच्चे ऐसे झूठे की तरफ भी इशारा है, एट ए टाइम दोनों का श्रद्धन है उसको, और इसका समाधान बुद्धि गोचर वालों के पास थोड़ी है, ये केवल ज्ञान गोचर पूरा प्रकरण है, एट ए टाइम मैं आत्मा और मैं शरीर, ऐसा श्रद्धान कैसे हो सकता है एट ए टाइम, एक दो श्रद्धान, और इतनी सक्रिय है वो गली, देखो ना उसमें दो दो समाये है, लेकिन यहां पर यही वो दशा है, तो कहते हैं या तो सम्यक तो होगा या मिथ्य तो होगा, ऐसे एक साथ दोनों नहीं होते, वो अध्यात्म में ऐसा बोलते हैं, आगम में ऐसा नहीं है, दोनों भी एक साथ हो सकता है, लेकिन उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं किया जाता, और न पकड़ में भी आता है, वो बहुत थोड़े काल के लिए होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए, ठीक है। चलो इससे शिक्षा क्या मिली, अभी ये गाथा तो पूरी हुई हमारी, इससे शिक्षा क्या मिलती है, इससे शिक्षा ये मिलती है, अभी अभी वहां पर बोल रहे थे कि भैंस का दही वो दर्शन और उनका नौकर मित्र देते रहते, वो निष्कर्ष क्या बन रहा था, भैंस के दूध से बचना, भैंस के दूध के दही से बचना, अब यहां पर क्या बात आएगी, अनायतन से बचना, आयतन में प्रवृत्ति करना, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा संग करेगा निरंतर जितना पास में रहेगा, लोग कहते जब तक अंदर में है तब तक पास में आते बहुत अच्छा लगता है, और फिर दूर जाते तो एकदम फिर परिणाम क्यों नहीं लगते क्या मालूम, लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूं फिर ज्यादा समय के लिए दिया, ज्यादा समय दिया करो, फिर सीधी बात है ना, अभी आपकी इतनी वीकनेस है कि जब तक सेवन करते हो तभी तक आनंद है, तो अब ज्यादा समय सेवन करने में लगाओ, फिर मतलब चाहता ही विषय भोगना, और इसका भी आनंद साथ साथ लुटना चाहता बिना पुस्तक के, ऐसे कैसे चलेगा, तो ज्यादा समय यहां पर आए, और फिर बाद में अपने आप जब स्थिति मजबूत होती है तो इसके आलंबन के बिना भी वो सब जगह आनंद इसी का लुटता रहता है, लेकिन प्राइमरी कंडीशंस में ऐसा नहीं है, जितना समय आप देव शास्त्र गुरु के समीप आकर बैठते हो उतना आपको अच्छा लगेगा। उसका जो प्रश्न है बाहर क्यों नहीं अच्छा लगता, ठीक है, तो हमारे कहने अच्छा लगना हमारा पर्पज है, उद्देश्य क्या है हमारा, अच्छा लगना चाहिए तो जिससे जो होता है वो करो, अभी खेच मत करो, जैसे जो संभव हो सो करो, ठीक है। वैसे एक तरफ कहते सम्यक दृष्टि को अटक भी नहीं, शास्त्र की बोला ना ऐसा, पांडे राजमल जी ने क्या बोला, सम्यक दृष्टि को शास्त्र की अटक नहीं, क्यों, वो तो सब जगह वही चीज पढ़ रहा है, जहां तहा फैली जिनवानी, उसके लिए क्या जिनवानी के क्या क्या पन्ने बोल रहे हैं, क्या एक एक घटना बोल रही है वैराग्य, ऐसा होने पर भी गणधर जैसा जीव भी अहर्निश बराबर उनका सेवन करता रहता है, जबकि उनको कुछ भी बाय हार्ट न हो ऐसा कुछ नहीं है, नया प्रमेय उसको कुछ नहीं मिलता, सालों नहीं करोड़ों वर्ष तक, कितना 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व तक, करोड़ों तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, कितनी डिजिटल फिगर चली गई है, 17 डिजिटल फिगर, और इतने काल तक बराबर भगवान के साथ चलता है, थोड़ा सा बोर होता होगा क्या कभी, एक तरफ कह रहे सम्यक दृष्टि को अटक नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं बराबर गणधर भी जो द्वादशांक के पाटी है अहर्निश उनके साथ चलते हैं बराबर। मैं क्यों कह रहा हूं, संघ समागम बराबर देव शास्त्र गुरु का बनाए रखना, यह सम्यक की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, यहां पर सम्यक तो प्रकृति का नौकर्म बता रहे, लेकिन सम्यक तो प्रकृति कहकर भी वो परिणाम तो सम्यक तो ही है, ये समझ रहे ना अक्षत। एक बात ये हुई, अभी सेकंड बात, कुतूहल वशात भी, बोलो बोलो, कुतूहल वशात शब्द का प्रयोग क्यों किया मैंने, मैं उसको थोड़ा खोलूंगा, अभी टाइम भी है अपना मर्यादा में, बाहर एक प्रश्न आया था, शायद आपका आया था एक दो तीन दिन पहले, आदित्य जी ने एक प्रश्न पूछा, शायद आप ही का होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई मास्टर है किसी विषय का, हम उनसे कोई विषय सुने कि नहीं, अभी मैं यहां पर थोड़ा स्पष्टीकरण करूंगा उसका, फिर अभी थोड़ा विचारणीय होगा, वहां पर तो एक दो लाइन में मैंने उत्तर दिया, ठीक है, इसलिए मोक्ष प्रवचन सार भी अपन ने आज निकाला है, उसको भी थोड़ा पढ़ना है। क्या प्रश्न है कि कोई मास्टर हो किसी सब्जेक्ट का, हम उनसे पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन बाकी कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो
मैं इसको उत्तर देता हूँ अभी, और सीधा उत्तर नहीं मिलके आपको सब इकट्ठा करते जाओ आप, तो आपको उत्तर मिलता जाएगा। मुझे एक 7-8 साल पहले, 4-5 साल पहले एक फोन आया, तो फिर वो बोले कि मुझे पूरा व्याकरण पढ़ना है संस्कृत का, और प्राकृत व्याकरण भी पढ़ना है। तो भैया क्या चाहते हो तुम? नहीं, आपके आप मुझे बताओ मैं कहाँ पर पढ़ सकता हूँ। भाई बात कौन कर रहा है? तो पता होता तो कुछ, मुझे ऐसा कोई परिचय नहीं था उसको भी, फेस से मैं तो परिचित होने का सवाल ही नहीं। उसको किसी ने रेफरेंस दिया था, तो फिर तो बोले कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं विद्यासागर महाराज के संग में हूँ। आप भी? मैंने कहा एज क्या है? तो एज बोले 35। तो बोले आप कोई योग्य, मुझे सब कुछ सीखना है, मेरी बहुत उमंग है, पूरा व्याकरण टू द डेप्थ जो भी सिखाने वाला हो। मैंने कहा बताऊंगा मैं आपको, तो कब मैं फोन करूं फिर से? मैं शाम को फोन लगाऊं? मैंने कहा तुम्हारी उमंग बहुत है, लेकिन मुझे तो बहुत सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पता है कौन पढ़ा सकता है। ऐसा उसको पता होगा तभी तो फोन किया होगा उसने। अब वो, मैंने कहा मुझे सोचना पड़ेगा ना। नहीं, बोले उसमें क्या है, आप बस बता दो मुझे, मैं वहां पर चला जाऊंगा। तो मैंने उसको क्या कहा, उसको कहा देखो मैं ऐसे ऐसे कैसे किसी का भी नाम बोल दूं तुमको? मैंने कहा वो गाढ़ा मिथ्या दृष्टि हो, मतलब संग वे मुनि आर्यिका है, समझ लो कोई, क्या बोला मैंने, कोई मुनि आर्यिका है आज, और व्याकरण में A1 है। मैंने कहा तुम वहां पर व्याकरण सीखने जाओगे? उनको उसी की तरफ संकेत था जिसका मेरी तरफ था, वो समझ गया था, आप नहीं समझ गए होंगे। मैंने कहा तुम वहां पर जाओगे व्याकरण पढ़ने उनके पास? मैंने नाम वाम कुछ नहीं लिया किसी का। मैंने कहा तुम भजोगे क्या उनको रोज? थोड़े से व्याकरण पढ़ने के पीछे तुम उनकी रोज नमोस्तु करोगे क्या? और मैं उसको भी सिखा रहा था, वो जहां पर पल रहा है पसा पूछ रहा है ना, तो तुम लोग समझ रहे मुझे क्या कहना है? तो मैंने उसको कहा, तो नहीं नहीं मुझे जल्दी, मैंने कहा जल्दबाजी में एक ग्रहित मिथ्यात्व की दिशा दिखाने का काम मेरे माथे बड़ा पाप नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं जो निर्दोष मार्ग होगा जहां पर तुम्हारा बाकी का जीवन पलता रहेगा और थोड़ा बहुत व्याकरण की कमी भी होगी चलेगा, हमको अनायतन का आश्रय नहीं लेना, वो ढोक देनी पड़े हमको, खूब ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, नहीं करना हमको। गुरुदेव को उमंग हुई, कितनी उम्र में क्या उमंग हुई होगी, बोले मुझे संस्कृत पढ़ना होता है, एक आचार्यों की मूल भाषा में समझने का राग होता है, और एक ट्यूटर लगा दिया, रोज आने लग गए संस्कृत पढ़ाने। कहा था क्या मैंने? नहीं कहा था, रोज पढ़ा था। फिर वो पूछते गुरुदेव, उनको पूछते ये ऐसा ऐसा, बोले ये मुझे कुछ नहीं पूछना, वो धर्म का कोई ज्ञाता थोड़ी ना था, वो तो संस्कृत का, बोले मुझे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बोले इसको बाहर कर दो मुझे नहीं चाहिए आदमी। बोले मुझे तो धर्म की अपेक्षा थोड़ा संस्कृत मुझे समझना है, वो तो वैसे संस्कृत नहीं समझना। अब वो तो संस्कृत का ज्ञाता हो धर्म का ज्ञाता हो वही मुझे सिखा सकता है, और एक धर्म का भी ज्ञाता हो उसका प्रवेश नहीं हो सकता इसमें, कि मुझे क्या कमी है। मैं उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, और संस्कृत का ज्ञाता मात्र हो तो वो तो संस्कृत पढ़ाने आए, उसको धर्म का तो टच ही नहीं है। अभी मूल प्रश्न तो एक पढ़ा ही रहा है अभी भी, को समझना कि नहीं समझना, हमको कोई मास्टर हो कोई उससे कोई समझना कि नहीं समझना। तो देखो एक बार, ये भी 3-4 साल पहले की बात है, कि एक बार बात हुई घर पर, तो हमारी मम्मी जी ने ये बोला कि अभी वहाँ पर सामने के मंदिर में 20 पंथ का एक मंदिर है, बाहुबली का मंदिर है वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर एक बहुत नामी एक अर्चिका आई है, तत्व सूत्र में बहुत अपना अधिकार रखती है, हम सब ने डिसीजन लिया है पूरे संघ ने, स्वाध्यायी ने, कि पूरी टीम वहां पर चली जाएगी रोज पढ़ने के लिए। मैंने कहा तुम घर पर बैठ के पढ़ो,
क्या नहीं समझ में आता है, खाए के लिए वो लेना, मैंने कहा क्या नहीं समझ में आता है। तो फिर ने बोले कि लेकिन अच्छा अधिकार है उनका, ये बात तो ठीक ही है, अपन तो समझ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो बाबा क्या कर रहा है, मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, फालतू में खाई के लिए उलझना मैंने कहा। और ये लोग जब अवसर देखते हैं तो फिर वो अपना अपना काम करते ही है जहाँ योग, तो फिर जाने लग गई है। और फिर जब भी बात होती वो ये बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा भी वो माइंड एकदम सॉफ्ट हो उस प्रकार का, कैसा माइंड कि उनको नहीं जाना चाहिए ऐसा। अपनी सावधानी लेकर किसी की भी कहीं भी जाने की ताकत हो तो उसको कहीं भी जाने में कोई आपत्ति नहीं हमकी हमारी। हमने जो दीक्षा लेने से रोका था तुमको 25 दफे, वो हम दीक्षा के विरोधी नहीं है। दीक्षा के नाम पर तुम्हारा परिपालन होगा नहीं होगा, फिर तुम कितना बिगाड़ करोगे, जैन धर्म की गरिमा कितनी नष्ट करोगे, अपनी व्यक्तिगत हानि सामाजिक हानि कितनी करोगे, उसको दिमाग में रखकर हमने तुम्हारा तुमको मना किया था। कितने जन ने मेरी बात को पकड़ा, अब समझ रहे ना, हमारा कोई हीन भाव थोड़ी है। तो मैं बहुत खुश होने लग गया, चलो उनको कहीं मिल रहा है। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हमने बॉयकॉट किया, सबने उसको बॉयकॉट छोड़ दिया, कल से डिसीजन लिया है कल से वहां पर नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया, कुछ ना कुछ हुआ ही? तो बोले कुछ नहीं, आज उन्होंने इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ कर दी। क्या किया? और विषय ये हुआ, वो बोले आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे वे बोले। मैंने कहा तुम लोगों ने आधार पूछा क्या उनको? ये अपन लोगों का रोग है, ये अपन लोगों का रोग है, सब मुमुक्षों को बहुत रोग है इसका। तो फिर मैंने कहा आधार पूछा? नहीं बोले। आधार क्या पूछना? मैंने कहा तुमने कैसे उनको बॉयकॉट किया? फिर तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उन्होंने बॉयकॉट किया जो। मैंने कहा वे जो कह रहे बिल्कुल सत्य है, और पचा पाओ तो उसको पचाना, यही वो विषय है आयुष। ओके, तुम क्या एकदम नीचे देख रहे, क्या चल रहा तुम्हारा? अच्छा लिख रहे, क्या कर रहे? लिख रहे, चलो हाँ चलो चलो। वो फिर वही कहेगा भाई जो पूछना है पूछ लो। तो फिर मैंने कहा वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसको पचाने की कितनी दम चाहिए। मैंने कहा तुम उनको आगम के आधार पूछते, ये कोई सज्जन की रीति नीति होती है? तुम लोगों ने कितने ग्रंथ पढ़े? मैंने कहा वो विवक्षा है, बहुत मजबूती से है जनागम में, अभी पता नहीं है अध्यात्मियों को। ठीक, अब फिर वो बाद में कहने लगे, फिर वो नहीं, वो ऐसा भी चालू किया उन्होंने, मिट्टी में थोड़ा सा ऐसा पौधे लगाना वैसे लगाना, अर्जिकाने फिर ऐसा करना वैसा करना, फिर अभक्ष्य भक्षण। मैंने कहा अब वो दूसरी बात है, अब जिस कारण से छोड़ो वो तो बात नहीं रही ना तुम्हारी, मुझे क्या कहना है? अगेन 256 गाथा है मेरे सामने प्रवचन सार के, 256 257 गाथा बहुत विचारणीय है। प्रकरण ये है, प्रश्न ये है, हम अनायतन के समागम में जाए कि नहीं? यदि हमको कोई चीज सीखनी है, समय सार का हमको वर्ड टू वर्ड ज्ञान करा रहे, और माना हमारे मिशन में कोई कराने के लिए समर्थ नहीं है ऐसा, हम जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है। तो देखो यहां पर क्या लिख रहे है, जो जीव छद्मस्त विहित वस्तुओं में अज्ञानी के द्वारा कथित देव गुरु धर्म आदि में व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान में रत होता है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता किंतु सात्मक भाव को प्राप्त होता है। गाथा एक आगे, जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है 257, और जो विषय कषाय में अधिक है, ऐसे पुरुष के प्रति सेवा उपकार या दान कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलता है। यह पूरी गाथा है, इसकी टीका विचारणीय है। ऐसा मूल शब्द पड़ा छद्मस्त के द्वारा विहित, अपने मनगढ़ंत आगम से विरुद्ध कोई ज्ञाता हो, उनको कोई चीज परफेक्ट भी हो, उनसे नहीं पढ़ना। यहां की तो ये बात आ रही है नहीं, लेकिन कोई सावधानी से पढ़ रहा हो, अभी देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं सब समझ लो, सावधानी से पढ़ रहा हो चलेगा फिर, लेकिन राजमार्ग नहीं खोला जा सकता। नोकर्म तो आयतन ही है सम्यक्त के लिए, और अनायतन ये मिथ्यात्व का ही नौकर्म है। राजमार्ग तो यही है,
लेकिन कोई बचने की ताकत रखता हो तो घुसे, बैठे, पढ़े, समझे, उसको मना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ऊपरी उपदेश तो यही दिया जाएगा, काहे के लिए उलझ रहे तुम उनके बीच में। आप सब समझ रहे, अपने पास सब इतना होते हुए भी। अब वहां पर भी आए थे बेनाडा जी खनिया धाना में, तो मुझे सवाल भी खड़ा नहीं होता। मैंने कहा अपन लोगों के जाने का वहां पर, और मैं उनको सबको पढ़ता रहता हूँ कमरे में सबको, मतलब मैंने कहा और 10 प्रकार के कोई लोग हो मैं और उनको भी पढ़ूंगा। अरे पढ़ना तो चाहिए, अखबार पढ़ते दुनिया वाले है ना, दे नीड टू कीप इन टू पेस विद द नो हाउस इन द प्रेजेंट, तो वी टू नीड टू कीप आवर सेल्फ इन टू द पेस विद द डे टू डे नो हाउस, कि इन्होंने ये क्या कह रहे मिथ्या तो किंचित करके नाम पर ये क्या कह रहे, और उसको बिन जानते दोष गुण उनको कैसे तजिएगा, ये कैसे अपन उसको त्याग करेंगे मिथ्या तो किंचित कर। अरे भाई वो सागर की है, अरे तुम क्यों उलझते, अरे क्यों उलझने की कहा बात आई, सबको पढ़ो दिमाग ठिकाने रखकर। और टोडरमल जी को जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है समझा है, वो कहीं भटकने का उनका सवाल खड़ा नहीं होता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन प्रत्यक्ष वहां पर जाने में क्या बाधा खड़ी होती है, उनसे अनुनय विनय करनी पड़ेगी तुमको। ये समझ रहे, लिखित मैटर हमारे पास आएगा हम उसको स्टडी कर लेंगे, लेकिन तो फिर वहां पर जाने में दूसरी आपत्ति है, वे अनुनय विनय की अपेक्षा रखते हैं और हम वो नहीं कर सकते समर्पण, मिथ्या समर्पण हमसे नहीं होगा वो, ठीक है। तो फिर वो ऐसे महाराज होते हैं, वो कह देते हैं भाई तुमको नमस्कार नहीं करना, कुछ नहीं, हमें कुछ शंका का समाधान करना है, ठीक है। फिर वो ओरिजिनल मूड में गए, जाकर बैठ गए अपन वहां पर, और फिर उतना किया बस हट गए, बाकी लगाव की बात नहीं, कुछ भी जीरो, क्योंकि जितना संपर्क रखोगे आप, देखो क्या बोल रहे, अनायतन ये मिथ्या तो का नो कर्म है, आयतन ये सम्यक तो का नो कर्म है, नो कर्म मतलब बचना, वहां से बचना, ठीक है। युगल जी की एक सेटेड रीति नीति थी, किसी भी मुनियों के बीच में जाकर प्रवचन नहीं करना हमको, ठीक है। नहीं ये तो अच्छे वच्चे की बात नहीं, आफत कौन बोले नहीं, समझ रहे नहीं, वो हमसे समझना चाहते हैं, समझने के नाम पर भी वो समझा नहीं बैठे हैं वे लोग। और समझना है तो हमारा साहित्य है ना, इतना उठाए और पढ़े, कुछ भी रहा ही नहीं है, और सीडीज है, सब है, समझा, हमको काहे के लिए बुलाए, ठीक है। फिर वो और अपन उनको नमस्कार नहीं कर, ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं, आप नमस्कार नहीं करो, आप तो आओ तो अरे तुम्हारे चेले छोड़ेंगे क्या हमको, और तुम कुछ नहीं होगा, चेले छोड़ेंगे ना, कशा नहीं होगी क्या तुम लोगों को, तो मोफत में काहे के लिए उलझना, आयतन ये सम्यक तो कर्ण कर्म है, अनिच्छित भाव से भी कोई यहां आता हो उसका कल्याण तब भी संभव है, लेकिन अनायतन जहां पर मूल स्वरूप में गड़बड़ है वह पर कोई भी अच्छी चीज भी हो वह अवॉइड करना जाना, ठीक है। आज इसलिए इंपैक्ट फोर्सफुल नहीं हो पाता विद्वानों का भी, क्योंकि विद्वानों का भी जीवन वैसा नहीं रहा है। आप समझ रहे सब मेरी बात को, और मूल समझो और एक बात मेरी, देखो समय तो हो रहा है, अरे आज एक ही गाते चल पाई है, तो विद्वान कैसा हो, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, विद्वान तो अकॉर्डिंग टू ग्रंथ निरूपण करे, आप उसका आचरण नहीं देखना, कहता हूं मैं हमेशा, क्या कहता हूं मैं, आप तो वो क्या खा रहा है और क्या पी रहा है हमको नहीं देखना, हमको ये देखना टू दी पॉइंट, वो ये बोल रहे ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, बराबर निरूपण करता हो काम हो जाएगा, ये भी एक देश सत्य कथन है, उतना उसका इफेक्ट थोड़ी ना होता है फिर आगे पीछे। इसलिए सच्चे उपदेश के अधिकारी, बोलो सच्चे उपदेश के अधिकारी ये मुनिराज ही होते हैं। अब जिनका कहना वक्ता तो ज्ञानी चाहिए, मिथ्या दृष्टि वक्ता हो और हमको सम्यक तो नहीं हो सकता, बहुत जन ऐसा बोलते हैं, जानते तुम लोग, बहुत जन बोलते हैं ऐसा, क्या बोलते हैं, सम्यक्ति वक्ता चाहिए, मिथ्या तब भी तो हमको सम्यक तो होगा, उन्हीं को सम्यक तो नहीं, हमको कहां से होगा, क्योंकि टोडरमल जी ने उदाहरण नहीं दिया क्या लड़की का, कि वो गाना गा रही है उसको विकार नहीं हो रहा है, दूसरों को विकार हो रहा है, और किसको उदाहरण दिया मैंने कहा, वो भावलिंगी वो द्रव्यलिंगी उपदेश दे रहा है, सबको सम्यक तो हो रहा है, उसको नहीं हो पाएगा,
मैंने कहा ये उदाहरण में ही तो दिया, नहीं वक्त तो ज्ञानी होना चाहिए, वक्त ज्ञान तो वक्त कौन होना चाहिए मालूम, ज्ञानी। तो फिर वो गाथा दिखाते नियम सार की, कौन सी नियम सार की, उत्तरेपनवी की, ये दर्शन मोह का क्षय आदि निमित्त हो उनके, मतलब स्पष्ट सम्यक्त्व होना चाहिए वक्ता। मैंने कहा बात सही है ये, लेकिन ये किसकी तरफ संकेत है मालूम, कौन, ये मुनियों की तरफ संकेत है, सच्चे उपदेश के अधिकारी मुनि ही होते हैं। आज देखो ना बाल बाकने हो रहा है मिथ्यात्व का, क्योंकि हम तो व्यक्ति को देखते हैं। देखो हमारी क्या क्या तकलीफ है, देखो व्यक्ति को सचमुच देखना नहीं चाहिए था, अब वास्तव में विपरीत व्यक्ति और निरूपण यथार्थ हो वो अपना काम कर सकता है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य बुद्धि ऐसी नहीं होती है ना, वो प्रभावित हुए बिना नहीं होती वक्ता से। तो फिर वक्ता जैसा करता है वैसा वे करते हैं, वैसा वे खाते हैं, वे पीते पीते हैं, वे पहनते हैं, वे ओढ़ते हैं, वे सब करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अरे हंत समझ रहे। आयतन ये सम्यक्तों का नौ कर्म, और अनायतन ये मिथ्यात्व का नौ कर्म, और मिश्र, मिश्र की तो अपन क्या बोले, गुड़ और दही के मिश्रण की भांति स्वाद, सम्यक्त मिथ्यात्व युगपत स्वाद बोला, ये तो कौन समझाए इसको उदाहरण में, कौन कैसे समझाए, बस उसको युगपत एक साथ दोनों का होता है। अब वो क्रिया में देखने में नहीं आ सकता कि आज यहाँ गुरुवार को वो शंकर शिव जी के पास जाएगा और रविवार को यहाँ पर आएगा, फिर सोमवार को और मस्जिद जाएगा, ऐसा देखने में आए तो टोटली बोलो विनय मिथ्यात्व है, ऐसा टोडर मस्जिद बोल रहे, ये तो बात ही नहीं है क्या, ये तो अंतर्मुहूर्त का एक पैच है, वो कब निकल कर चला जाए पता नहीं, उसके बीच में दोनों की श्रद्धा अडिग बनी रहती है। ठीक है, प्रशंसा भी इसलिए जैनेतरों के मंदिर भी है, उनकी कुछ अच्छी भी बातें हैं उनकी, उनकी भी प्रशंसा से बचना, सम्यक तो क्या अतिचार पढ़ना, अन्य दृष्टि संस्तो प्रशंसा याद है, शंका कांक्षा निर्विचिकित्सा बोलो मुक्ति सूत्र, अंतिम दो शब्द क्या, अन्य अन्य की प्रशंसा नहीं करना, स्तुति नहीं करना, सम्यक तो मैं अतिचार होगा कह रहे हैं, उनका मंदिर तो अच्छा है गया, अतिचार मतलब ये है कोई सम्यक तो लोप नहीं हुआ, अवसर आ गए, तुमको क्यों हावी हो गए तुम ऊपरी ऊपरी बातों को देख, कहां पर तो यह कहते हैं, यहां पर भगवान के पास आकर भी कहते हैं अवधरिक शरीर को भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, संबंध भद्र के बोल, और तू वहां पर एकदम चिपक गए, वहां पर क्या मिला तुमको।